दक्षिण में छत्रपति शिवाजी और पश्चिम की ओर बेवार के राजपूतों ने औरंगजेब के विजय पथ को रोक रखा था। तब औरंगजेब की दृष्टि पड़ी पूर्वोत्तर की ओर, लेकिन वहां भी एक महान कामाख्या माता के भक्त ने औरंगजेब को असम आने से रोक लिया और उसका नाम था लचित। लचित का जन्म 1622 में हुआ। उनके पिता का नाम मुमाय तावली था, जो कि अहोम राज्य की सेना के सेनापति थे। अहोम राज्य की बात करें तो अहोम साम्राज्य ने 600 सालों तक भारत पर शासन किया और लगभग 17 बार मुसलमानों को पराजित किया, लेकिन इस बार लड़ाई औरंगजेब से थी। 1661 में औरंगजेब की मुगल सेना ने असम राज्य को गुवाहाटी तक कब्जा कर लिया। उस समय अहोम के राजा जया ध्वज सिन्हा थे। मुगल सेना ने बहुत बड़े पूर्वोत्तर के राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके कारण राजा को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी और इस संधि में उन्हें 300,000 से ज़्यादा सोने के सिक्के, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, अपने युद्धपोत और युद्ध के जानवर देने पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी चोट राजा को तब लगी जब उनकी 6 साल की बेटी को भी मुगल सेना उठा ले गई। यह झटका अहोमियों को इतना घातक और इतना विशाल लगा कि पूरा राज्य मुगलों से प्रतिशोध लेने की आग में जल उठा। इस तरह के अपमान के कारण राजा की मृत्यु हो गई और उसके बाद राजा बने चक्रध्वज। इसी के बाद शुरू होती है लचित की असली कहानी। चक्रध्वज के राजा बनते ही लचित को सेना का नया सेनापति बना दिया गया। लचित ने अपनी सेना को लगभग 5 वर्षों तक अत्यंत मजबूत, शक्तिशाली और एकता में बांधा। वह चोरी चोरी अपनी सेना को अत्यंत मजबूत बनाते जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें किसी भी रिश्ते की अहमियत नहीं थी। इसी कारण उन्होंने अपने मामा का गला काट डाला था और यह कह दिया था कि मेरे धर्म और राज से बढ़कर मेरे मामा नहीं हैं। यह सुनते ही अहोम की सेना में एक जोश उभर आया कि हम अब मुगल सेना को हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली, वीर, बुद्धिमान और दूरदृष्टिगामी सेनापति लचित था। 1667 में राजा चक्रध्वज के पास एक बहुत बड़ी खुशी की लहर जाग उठी। राजा ने सुना कि लचित के नेतृत्व में गुवाहाटी फिर से जीत लिया गया है और एक बार फिर से मुगलों को असम के भगा दिया गया। यह बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने राजपूत राम सिंह के नेतृत्व में एक अत्यंत विशाल सेना पुनः बंगाल होते हुए असम की ओर भेजा, लेकिन मुगल सेना इस बार पराजित हो गई। तब राम सिंह ने छल करना शुरू किया और बहुत सारे अहोम के सैनिकों को पैसे का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और कहा कि सीधा सीधा युद्ध करो। लेकिन लचित जानता था कि सामने से लड़ाई हम कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी सेना और इतने शक्तिशाली घोड़े नहीं हैं। लेकिन राजा चक्रध्वज ने बिना कुछ सोच विचार के हाँ कह दी और इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। लचित की सेना के 10,000 सैनिक मार दिए गए, लेकिन इसके बाद भी लचित ने अपने आप को और अपने राज्य को इन मुगलों से बचा रखा और इनके हाथ नहीं लगने दिया। 1671 में एक बार फिर औरंगजेब ने राम सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना को असम भेजा। लगभग 90,000 की सेना के साथ मुगल बंगाल होते हुए असम की ब्रह्मपुत्र नदी के पास आते हैं और यहीं पर होती है मुगल और लचित के बीच असली लड़ाई। लचित ने ब्रह्मपुत्र नदी के सराय घाट के मैदानों को युद्ध के लिए उचित समझा, क्योंकि वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा कम चौड़ी थी। लड़ाई शुरू होती है। लचित की सेना शुरुआत में औरंगजेब की सेना को गाजर मूली की तरह काट रही थी। जब औरंगजेब की मुगल सेना ने अपने आप को हारते हुए देखा तो उन्होंने और सैनिकों को बुला लिया। यह पूरी लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लड़ी गई थी
और यह भारत की ऐसी पहली लड़ाई थी जो पानी पर लड़ाई गई थी। जब मुगल सेना एक बार फिर से तैयार होकर आती है तो अहोम की सेना देखकर भयभीत हो जाती है और भागने लगती है। तब लखित ने कहा, जिसको जाना है जाए, लेकिन जब तक मेरे शरीर के अंदर रक्त की आखिरी बूंद भी रहेगी तब तक मैं इन मुसलमानों से लड़ता रहूंगा और अपने राज्य को बचाता रहूंगा। इतना सुनते ही लखित की सेना में एक जोश उभर आया और फिर से पुनः लखित की सेना माता कामाख्या के जयघोष के साथ मुगलों के ऊपर टूट पड़ी और इसका प्रमाण यह निकला कि अहोम की सेना जीत गई और दोबारा औरंगजेब ने कभी भी असम की ओर अपनी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वहां लखित जैसा वीर सेनापति अभी भी तलवार अपनी हेंग डैंग को लिए खड़ा हुआ था। इस लड़ाई के एक साल बाद 1672 में ही प्राकृतिक कारणों के कारण लखित की मृत्यु हो गई। इसका प्रमाण यह निकला कि भविष्य में आने वाले राजाओं ने, जैसे राजा उदय सिंह ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण किया और असम को फिर से एक पूर्ण सक्षम राज्य बनाया।